जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। मैं देवदर्शन त्रिपाठी जी कह रहा हूँ और आप सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करें कि नव वर्ष हमारा जो सनातन जो संस्कृति के उसी के अनुसार हमको कितना वर्ष हो गया है हमारे प्रकृति को, आप सभी को तो ज्ञात होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे मित्र जी कहे कि एक वीडियो बनाइए, तो मैं आप सभी के निकट प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हमारा जो प्रकृति का वर्ष है, सनातन जो वर्ष है, मैं धार्मिक अनुसार नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रकृति के अनुसार कह रहा हूँ। प्रकृति के अनुसार हमारा जो प्रकृति का जो सृष्टि का जो वर्ष है कब प्रारंभ हुआ था? चैत्र, जब नवरात्रि प्रारंभ होता है, वो दशहरा के समय नहीं, जब नवरात्रि प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, तभी से हमारा जो नव वर्ष प्रारंभ होता है। हमारा वर्ष, सृष्टि का वर्ष को कितना हो गया? 1,96,08,53,119वां वर्ष हो रहा है। और जब भी नव वर्ष आता है तो प्रकृति भी नव वर्ष मनाने लगता है भाई। जब देखना आम के पेड़ में आम का फूल होने लगता है, पलाश के पेड़ में पलाश का फूल होने लगता है, और हमारे ये उड़िया भाषा में कहते हैं बहल भाजी बोलते हैं, तो बहल भाजी का पत्ता भी होने लगता है, उसका जो कली है फूल का कली वो भी होने लगता है, आकाश निर्मल हो जाता है, और कोयल का कू कू होने लगता है, कोयल भी गाना गाने लगता है। यह हमारा नव वर्ष, बसंत का आगमन होता है वो नव वर्ष। और ऐसा नव वर्ष किस काम का जिसमें दारू पिए, पेट में दबा दबा कर खाते रहें खाते रहें, उसमें कौन सा नववर्ष? नववर्ष आएगा, आएगा नववर्ष कब आएगा? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष आएगा। ठीक है मित्रों, अधिक समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा। आप सभी अंग्रेजी नववर्ष के पीछे ना पड़े, अपना जो संस्कृति है, अपना जो परंपरा है, उसी के अनुसार आप रहोगे तो आप उचित से रह पाओगे। तो अपना जो हो गौरव है, अपना जो प्रतिष्ठा है, उसको ना भूलिए और अपना सनातन परंपरा को अपनाइए, जिसको प्रकृति भी मनाने लगता है। जय श्री राम, जय महाकाल।